जादुई घमंडी फ्रॉक का पेड़। बहुत समय पहले की बात है, बेलापुर गांव से सटा एक जंगल था जिसमें एक जादुई फ्रॉक का पेड़ था, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर तरह तरह के डिजाइनर फ्रॉक हुआ करता था। उस फ्रॉक को जो भी पहनता, उसे पहनते ही उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती थी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। वो जादुई फ्रॉक का पेड़ बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। वो अपना जादुई फ्रॉक किसी को भी नहीं देती थी। वो सिर्फ अपना जादुई फ्रॉक अमीर और सुंदर सुंदर राजकुमारी और परी को ही दिया करती थी। मैं हूँ एक जादुई फ्रॉक का पेड़ और मेरे फ्रॉक पहनने से सभी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन मुझे गरीब और बदसूरत लोगों से सख्त नफरत है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई बदसूरत लड़की मेरे पेड़ के पास भी आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, तभी रानी नाम की एक लड़की उस जादुई फ्रॉक के पेड़ के पास आती है। हे जादुई फ्रॉक के पेड़, मुझे एक जादुई फ्रॉक दे दीजिए। मैंने आपका बहुत ही नाम सुना है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत हूँ। मेरी बदसूरती का हर कोई बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, और तो और मेरी वजह से मेरे माँ बाप को भी लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। अगर आप मुझे ये जादुई फ्रॉक दे दोगी तो उसे पहनकर मैं भी बाकी लोगों की तरह गोरी हो जाऊंगी और फिर मेरी भी शादी हो जाएगी। ए पागल लड़की, दूर हो जा मेरे पास से। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तेरी इस बदसूरत शक्ल को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चली जाओ यहाँ से। हे जादुई फ्रॉक के पेड़, मुझ पर रहम करो। मैं यहाँ बहुत ही आशा लेकर आई हूँ। जैसे कि आप देख ही रही हो कि मैं बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत हूँ, जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। जो भी लड़का मुझे देखने आता है, वो पहली ही नज़र में मुझे नापसंद कर देता है। मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। उनका दुख अब मुझसे और देखा नहीं जा रहा। प्लीज आप मुझे अपने पेड़ से एक जादुई फ्रॉक दे दीजिए, जिसे पहनकर मैं भी खूबसूरत बन जाऊंगी और मेरी भी शादी हो जाए। प्लीज आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, मैं तुम जैसी बदसूरत लड़की को किसी भी कीमत पर अपना ये जादुई फ्रॉक नहीं देने वाली। मेरे पेड़ पर लगने वाला हर एक फ्रॉक सुंदर राजकुमारी और परियों के लिए ही है। तुम यहाँ से चली जाओ पागल लड़की। रानी पेड़ से बहुत ही ज्यादा मिन्नतें करती है, पर वो जादुई फ्रॉक का पेड़ उस पर जरा भी रहम नहीं खाती और उसे एक भी जादुई फ्रॉक नहीं देती है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी आती है और कहती है, हे जादुई फ्रॉक के पेड़, प्लीज मेरे लिए लेटेस्ट डिजाइन के सुंदर सुंदर फ्रॉक मुझे दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुंदर राजकुमारी, ये सारे डिजाइनर फ्रॉक तुम्हारे लिए ही तो है। तुम जितना चाहो उतना जादुई फ्रॉक मेरे पेड़ से तोड़ सकती हो। फिर क्या था, वो खूबसूरत दिखने वाली राजकुमारी उस पेड़ से खूब सारे फ्रॉक तोड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी रानी सोचती है, अगर मैं इस राजकुमारी को अपनी परेशानी बताऊं, तो शायद वो मुझ पर तरस खाकर अपना एक जादुई फ्रॉक मुझे दे दे। मुझे राजकुमारी जी से बात करनी चाहिए। ये सोचकर रानी उस राजकुमारी का पीछा करती है और वो एक जंगल में पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि वो सुंदर सी दिखने वाली राजकुमारी एक गुफा के अंदर जा रही है। वो उसके पीछे पीछे उस गुफा के अंदर जाती है। तभी वो देखती है वो सुंदर दिखने वाली राजकुमारी एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। वो जादुई पेड़ तो सच में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। मैं कल सुबह ही उस पेड़ को काट कर अपने पास अपनी गुफा में ले आऊंगी, फिर उसे जलाकर उसके राख को इकट्ठा कर उसे अपने शरीर पर डेली लगाया करूंगी, जिससे मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। उस चुड़ैल की बातें सुनकर रानी हैरान रह जाती है और वहाँ से किसी तरह चुड़ैल की नज़र बचाकर बाहर आती है और बोलती है, हे भगवान, ये राजकुमारी तो एक चुड़ैल निकली। मुझे अभी जाकर उस जादुई फ्रॉक के पेड़ को सब कुछ बताना होगा। रानी फौरन जाकर उस जादुई फ्रॉक के पेड़ को सारी बातें बताती है, पर वो जादुई फ्रॉक का पेड़ रानी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती और वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। बेचारी रानी वहाँ से उदास होकर चली जाती है। अगले दिन वो चुड़ैल एक जादुई कुल्हाड़ी लेकर उस जादुई पेड़ के पास आती है, जिसे देखकर वो पेड़ डर जाती है। अरे नहीं नहीं,
ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये चुड़ैल तो सचमुच मुझे काटने जा रही है। उस लड़की ने मुझसे बिल्कुल सही कहा था, ये चुड़ैल मुझे काट कर मुझे अपने साथ ले जाने आई है। क्यों जादुई फ्रॉक की पेड़, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें यहाँ से काट कर अपने साथ अपने गुफा में ले जाऊंगी। और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। चुड़ैल जैसे ही पेड़ काटना शुरू करती है, तभी वहाँ पर रानी आ जाती है और उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल होती है। रुक जा चुड़ैल, अगर तूने इस पेड़ को जरा भी नुकसान पहुँचाया फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे इस मशाल से जलाकर राख कर दूंगी, समझी तुम? रानी की बातें सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, अरे मूर्ख लड़की, क्या तुझे मेरी शक्तियों के बारे में पता नहीं है? लगता है तुझे अपनी शक्तियों का नमूना दिखाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो चुड़ैल रानी की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उस चुड़ैल का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। यही सही मौका देखकर रानी चुड़ैल की जादुई कुल्हाड़ी उठा लेती है और बोलती है, देख चुड़ैल, तू अब यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुम्हें इसी कुल्हाड़ी से यहीं काट कर गाड़ दूंगी, समझी? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो। कृपया इस जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल मेरे ऊपर मत करना, क्योंकि ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ और वापस कभी नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो जादुई फ्रॉक का पेड़ रानी से अपने घमंड में आकर किए गई गलती के लिए उसे माफी मांगती है और रानी को खूब सारे जादुई फ्रॉक देती है। रानी खुशी खुशी वहाँ से खूब सारे फ्रॉक लेकर घर आ जाती है। घर आकर वो उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।